तुम्हारा फर्ज है। बहरहाल मैं अपने बेटों को बुला रहा हूँ, उनसे बात करो, अगर वो फैसला करके अपनी बहन को भेज दें तो बिस्मिल्लाह। अब्बा जी हाँ जी, जाए फरिश्ता साइकिल लेकर आया, कह रहा कि उसे बेचो। बकवास नहीं करो, देखो तुम्हारा बनोई आया हुआ है। किसका? ये तुम्हारा बनोई। बनोई बनोई ना कहा करो भाई, हमारा कितनी बुरी बात लगती है, मुझे सारा कहेगा वो। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह खैर, आज तो काफी मेकअप कर लिया जी। वो असल में आप तो मेरे छोटे साला जी हैं। अच्छा, नेचुरल तो आप ऐसे नहीं थे। असल में वो और सुना है छोटे, जब भी कहते हैं ना कि ससुराई जाए, ससुराई मेरा मतलब है कि मेरे लिए इसराइल इसराइल भी है ना जनाब। इसराइल इसराइल भी जालिम है और ससुराइल भी बहुत जालिम है जी। आप जैसे बंदे डिफेंस साइड पे मांगते हैं। ओए मेरी बात सुनो, इंग्लिश में मांग रहे होते हैं। ओए मेरी बात, वन पेप्सी वन बर्गर वन पिज्जा, मौला ने तुम्हें बड़ा देना जी। यहां मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आई बैक टू स्टेट दैट या I am suffering from खजल छजल। Please give me your sister। हाँ, ये जानते हैं रियाज साहब हैं, बबल शेर जी जी, ये शुक्र करें आपको देखने आ गए। बड़ी मेहरबानी है जनाब, घर के लात नहीं देख रहे, आपको देखने आ गए। अब मेरी बात अच्छा बात सुनो जी जी, मैं भेज रहा हूँ दूसरे को भी। किसको? भाई तुम्हारे को। तुम्हारे भाई, भाई, भाई को बताया करो ना, दूसरे को भेज रहा हूँ, मेरे जेहन में कुछ और चल रहा होता है। गंदा अच्छा अच्छा गंदा जहन रखा हुआ तूने, मैं भेज रहा हूँ उसे भी, फैसला करो और इसकी बेगम को इसके साथ भेजो। अब्बा जी अल्लाह आपकी जिंदगी करे, आप ही हैं, आपकी वजह से हम हैं, बगैर ना हम कैसे रहते। माँ बाप की जिसने इज्जत करी है उसी ने फल पाया है, जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं करी वो रुला ही है जिंदगी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके ख्याल से मैं 100% मुतफिक हूँ। क्यों मुतफिक है? बहन दे दी इस वास्ते। मेरी बात सुने। हाँ जी, आप पर ही मुझे उम्मीद है और मुझे आपका जो है ना वो बढ़िया मतलब मान है। बैठ के बात। इस घर में एक काशिफ बासी आप ही लगे हैं मुझे। बिल्कुल सही, खड़े हो जी। पता बात आपने बैठते ही कुछ मेरे जेहन में नहीं, खड़े बैठ के बात। चलो बैठ। अच्छा अब बताए क्या मसला है? आपने हमारी बहन को कोई तकलीफ दी तो मैंने ये उतार के निकल जाना। अच्छा मैं भेज रहा हूँ साजिद को भी जी जी, और दोनों मिलके कोई फैसला करो, इससे अच्छी बात नहीं है अपनी बहन को घर में। नहीं नहीं मसला पूछ रहा हूं, क्या मसला जी? हमारी बहन से नाराज हो गया। देखिए जी मेरे प्यारे साला साहब जी जी, यानी आपकी बहन को मैंने कोई दुख नहीं दिया कभी। है? खर्चा उसको हर महीने पूरे का पूरा देता हूँ। अच्छा, कपड़े उसको, वो शॉपिंग इतनी करती है कि इतनी मेरी तनख्वाह नहीं, मैं एडवांस लेके उसको शॉपिंग करवाता ना। उसे शॉपिंग कराओ हाँ जी, ना उसे खर्चा दो, अच्छा ना उसे रोटी दो, ठीक है वाईफाई लगवा के दो। क्यों नहीं लगवा के दे रहे आप? ये रोल है। इस बात पे मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब तक मेरी वाइफ नहीं आएगी वाईफाई नहीं आएगी। अब टाई लगा लेते हैं, वाईफाई नहीं लगवा रहे, क्या वजह? मेरी बात सुने, बजाय इसके कि आप उसको समझाएं, ओए इस वाईफाई और नेट की वजह से कितने घर तबाह हो गए, मुझे लगता है आपकी बहन भी इधर रह रहे के ना तो वो और खराब हो रही है, जिसके आप जैसे भाई हो उसको समझाने की बजाय उसकी हिमायत कर रहे हैं आप। ओए बड़वैये संगा खा के सारे कल्ले करे, मेरी ये बात सुन लो, मेरी बहन को तकलीफ है, मैं अपनी बहन को बुला। बाजी बेटे तेरा खामद आया, जाना कि नहीं? नहीं नहीं जाना, भी उसने जा नहीं जाना, जब उसने अंदर से कह दिया नहीं जाना। आप कैसे भाई? यार हम नहीं बसाना चाहते भाई, यार अल्लाह का वास्ता, हम ऐसे ही भाई हैं। इधर मेरे हाथ में, इधर मेरे हाथ में यसुपंजू हार के पुत्ता डोली। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने और मेरी बात सुने शुकान के, आप मेरे सबसे प्यारे और मेरे मन पसंद साला साहब है। अच्छा आप ये करें, मेरा दिल चाह रहा है छोटो बहन को मुझे ले चलो साथ। अच्छा पसंद, मैं पसंदीदा हूँ तो फिर क्या जरूरत है बहन की? आप वो सारे काम कर लेंगे जो उसने करने। बर्तन धो लूंगा, कपड़े पका लूंगा, कपड़े पका अपना सुखा लूंगा, ठीक है धोने आपने, देखिए सिर्फ सुपने डालूंगा ऊपर। मेरा मतलब है कि देखे बीवी जो होती है वो जिस घर में होती है तो वो कर कर लगता, वरना खाली मकान होता है। हाय हाय जी, क्या मैसेज दिया आपने, जिंदगी में कमाल कर दिया आपने। आप अगर मेहरबानी करके मेरा मैसेज दे दे अपनी बहन को, इतना नेक बहनोई हमारा, इतना मोजज आदमी, इतना नेक, पता मुझे वो इतना नेक आदमी। अल्लाह मेरी दुआ है आपको कि जितनी जिंदगी आपकी गुजर गई है और जितनी बाकी रह गई है सारी पे लाना दे। मेरी बात सुनिए, किसी बड़े को लेकर आए इस तरह बच्ची नहीं तोड़ेंगे आप।
ये पीछे से डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा, राइटर में लिखा है कि ये आपका आखिरी फैसला है। जी आखिरी फैसला। और अगर मैं ये बात ना मानूं तो है? अगर मैं ये बात ना मानूं तो देख लो ये सारे घोट को दे दूंगा मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारी जगह पे ये होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनाब आपके होते हुए मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी जरूरी है, आप लेकर आए किसी बड़े को लेकर आए फिर हम तोड़ेंगे। जल्दी से जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह घर की कमाई है। ये कौन सा बाहर से आ रहे, ये तो घर की कमाई है। असी दुनिया तो चोरी चोरी चरसा पीतिया ने, ओ इस घर दे विच की कीतिया ने, इत्थे असी भैन जीती। हेलो ओफर ओफर, दोजख तो बसा चल पईयां ने जी। मैं ताडे अब्बा जी दे टांगे ते बह के आया। अच्छा ओए ओ मैं ते हुण पछाणया, ओ तू टिंड कितों दी करा ली, तू ते मेरा साला है। टिंड बस यार मोहल्ले जी कुकड़ी चोरी करदा फड़या गया, ते उहने मेरी टिंड कर दी। मतलब रखवाली ना करिए, किने कीते मेरी भैन नूं तंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग तकलीफ होएगी तो मैं बहनोई भी मार देंगा। यानी कि मेरी बीवी ने तेनू फोन करके इत्थे तेनू मेरे नाल लड़ाना, बदमाश मेरी भैन को गल की लाटा नाल पाली है। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, 24 ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਸ਼ਾ ਮਕਾਓ ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। क्योंकि नशा पुत्र अच्छी चीज नहीं है। देख तू मेरा साला नहीं, तू मेरा भरा भी है, मेरा बेटा भी है। नशा बहुत बुरी आदत है। देखो ना नशे की वजह ने किन्ने घर तबाह हुए ने, है कई मावां दे मावां दियां गोदां वीरान हो गई, कई भैणां दे भरा जुदा हो गए ने, और कई सुहागण दे सुहाग उजड़ गए ने। ये गल्लां तू मैनूं लिख के दे दई, उंज गल्लां कर लै मेरे नाल जिहड़ियां करनियां ने। आ गल्लां कर लै, एडा बेवकूफ है नामराज, सिर ते छापर पा के नहाण डिया। मैं कि छापर क्यों सिर ते चढ़ाया, कहिंदा मेरी अकल च पाणी पै जांदा। आ वी एडा बेवकूफ है, यारां बाईआं ने को कुट पाई, उहनां नूं कहिंदा मैं फ्रंट ते बह के जाणा। ये भी यारां बाई नूं फोन करके कहिंदा कहिंदा मैनूं लभ लवो, ये इन्ना बीमार रहा, 5 साल बीमारी ना लड़िया, यदा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होया, सिर पट्टा बेनजीर होस्पिटल चला गया, 5 घंटे किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा, 6वें घंटे नर्स आके कहती टांके लवाने, कहता होर की पीको कराना है। एडा चवल नहाता नहीं सी, सर्दियों से नहाता ही नहीं। अच्छा यदि बेगम ने एक दिन इन्हू कहा तू भी नहा लिया कर, कहता बेगम मेडा ठंडा पानी है, पहला डोंगा पानी का पाना तो जान निकल जाती। वह कहती चवला पहला डोंगा तू साइड से सुट दे, दूजे नाल ते ना। सच कह दिया हर जगह से इन्हें पिछेत्र खाते बीसी कराती, ये पौड़ियाँ थले कुत्ती बच्चों दुध पिला जाके कहता यह सारा ना पिला दी, 2 घुट मेरे वास्ते भी रख ली। मैनू कहता तेरा मैं विआह करा, कुड़ी एडी ने के तेरे के सिर नहीं चुकेगी। अच्छा वो जो मैं जाके वेख्या वो धोन का मणका टुटा हो, मैं खड़ा हो कभी इंज कभी इंज, बदतमीजी ना करया कर, मोहल्ले दी चोरी करदा फड़िया गया। हां उन्हें दा मुंह काला करके नु खोते दे बा के पूरे मोहल्ले दा चक्कर लवाया, अपनी गली दे कोल आया ते दी जनानी रोन डई, उहनू कहिंदा रोनी कानू आ जाके चाह बना दो ते गलियां रह गई। नशा करके उस खोते दे कान च कह रहे अब्बा जी पूरा मोहल्ला घर आंदा तुसी नहीं आंदे, बदतमीज इंसान जानवरां दी इज्जत करी दी है, की कीता तू बदमाशी च।
बदमाशी दस अपनी लड़ाई हुई है बदमाश बनाया बदमाश देख लेंगे हम बदमाश ये बदमाश है भाई इधर हम किसी बदमाश से डरते हैं कोई इधर है हम बदमाशों से नहीं डरते बदमाश बुला रही है बदमाश बड़े बदमाश बुला इधर आ भाई कदम ना छोड़ के जाइयो इधर आओ ओए बदमाशों से डरते नहीं हम ओए बड़े भाई इधर आ जहांगीर बदमाश बनाए फिर रहे हैं बदमाश जहांगीर तरीन पागल आदमी ना होता मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तो माइक ठीक नहीं है गजल पेश कर रहा हूँ हेलो अच्छा माशा मैं समझा स्पीकर लगा ओए किराए ते मोटरसाइकिल लैके कंध च मार के घर दे नु करजई करौण वाले बगैरता तो ये सिर्फ बताने आए मुझे बताने की मेरी भैन नु इस घर दे विच तुसी तंग कीता है चवलो किसने आप है बदमाश बदमाश मैं ते नहीं बदमाश नहीं बदमाश तू है ओए वो बदमाश तू है हैं वो बदमाश तू है जिन्ना मारी लाख च बंदे थोड़े लाख च मार जिन्ना मार पे चवला नेशा आगी मैं भी खावा मेनू 500 मिल गए बट ठीक तो निकल निकल हर तो निकल मेरे भैन भरा आए ने मेरे किधर आए मेरीया मैं कहना इथे ना इज्जत कर मेरे को मैं आज थाने बदमाश बदमाश मैं थाने गया थाना उठ के खड़ो गया वजह सफाई करनी सी बल्कि मेनू उन्होंने मारे इन्हें छित्र मारे मेनू पुलिस वाले ने और मैं क्या मेनू इन्हें कुटन दे मेरा कसूर की फिर कहंदे ने कसूर कोई नहीं नवा छित्र ले आंदा ओदी रनिंग पूरी कर बदमाश भाई मैं तो पहले पुलिस च सा मैं नौकरी छड़ती मैं सुते पे भी वर्दी नहीं सा लाउंदा मेरा अपना मुंह ही चोरा लगा किते आप ही नाला खड़ा जा ओ बदमाशी करने आया क्या करने आया बदमाशी तो कार को खंजर मार खंजर मैं तेरे मारा मेरी हुन 15 बंदे ना लड़ाई हुई के दई मैं इंज करके लीक मारी ओना 15 नु मैं कहया जे तुसी लीक टप्पो ते मेरे प्यो लगो फिर सारी टप्पे की कर सकने बिल्कुल बड़ी बड़ी बदमाशी कीती है मसलन का का करी है ओए जगह जगह गंतुने डाला है मैं कहना मेरे ना बदतमीजी ना कर ओए भाभी अपने बदमाश को समझा मेरी कोई बदमाशी भी नहीं कर रहा अब्बा जी खबरदार मेरे ना बदतमीजी की मेरी भैन का घर है।